बॉलीवुड एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना रनौत बीते दिनों अपने बयानों को लेकर काफी सुर्खियों में थी। उन्होंने कई ऐसे बयान दे दिए थे जिसके चलते बीजेपी को भी उनसे किनारा करना पड़ा था। वहीं उनके उन्हीं बयानों को लेकर उन पर एमपी एमएलए कोर्ट में केस चल रहा है। इस मामले पर कोर्ट में 28 नवंबर को सुनवाई हुई। सुनवाई को लेकर राजीव गांधी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने जानकारी दी है। कंगना रनौत को पिछली तिथि पर कोर्ट ने एक नोटिस जारी किया था। उनके दो पते हैं, एक तो दिल्ली में उनको निवास जो मिला है 14 जनपद, और एक कुल्लू मनाली में कत्या रोड पर है। तो दोनों जगह पर कोर्ट ने नोटिस भेजे और नोटिस में ये लिखा था, आप कोर्ट में स्वयं उपस्थित होकर या अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपना पक्ष रखें, ये प्रस्तुत करें कि आप इस बात को सुनवाई कराना चाहती हैं या अपना पक्ष रखना चाहती हैं, और अगर आप आज की तिथि पर हाजिर नहीं होती हैं तो ये मान लिया जाएगा कि आपको कोई उसमें कुछ कहना नहीं है और कोर्ट अग्रिम आदेश करेगा। तो चूंकि कोर्ट ने भेजे 19 नवंबर को, कंगना को दिल्ली वाले पते पर रिसीव हो चुका है, 22 नवंबर को कंगना को कुल्लू मनाली वाले पते पर नोटिस कोर्ट का रिसीव हो चुका है। कोर्ट ने आज नोट्स को पर्याप्त मान लिया है तमिलनाथ, और हम सब लोगों के, भैया जी के, रामदत्त दिवाकर जी के, फौदा साहब के, रायन गुप्ता जी के और रायन करदम जी के बहस सुनी। उन्होंने बहस सुनने के बाद आदेश के लिए 12 दिसंबर की तिथि नियत कर दी है। 12 दिसंबर को आदेश होगा। कंगना के जो बयान उन्हें कोर्ट लेकर आए हैं उस संबंध में भी वकील ने जानकारी दी, सुनिए। मामला ये था कि कंगना ने एक बयान दिया था 28 अगस्त 2024 को सारे अखबारों में छपा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि 20 अगस्त 2020 से लेकर दिसंबर 2021 तक जो किसान धरने पर बैठे थे, लाखों किसान केंद्र सरकार के काले कानूनों के खिलाफ, वहां पर हत्याएं हो रही थीं, बलात्कार हो रहे थे, और अगर देश का नेतृत्व तो समय मजबूत नहीं होता तो देश में बांग्लादेश जैसे हालात पैदा हो जाते हैं। चूँकि मैं किसान का बेटा हूँ और बकार से पहले मैं 30 साल खेती भी की है, तो मुझे लगा कि ये अपमान देश के करोड़ों किसानों के साथ साथ मेरा भी है। क्योंकि किसानों को उन्होंने हत्यारा, बलात्कारी और अलगाववादी बता दिया, अलगाववादी बता करके अपमान किया। एक ट्वीट किया था उन्होंने 17 नवंबर 2021 को, छपा था सारे पेपरों में, वो मैं दाखिल किए कोर्ट में। उसमें उन्होंने कहा था कि गाल पर चांटा खाने से भीख मिलती है, आज़ादी नहीं, और जो 1947 में आज़ादी मिली वो महात्मा गांधी को भीख के कटोरे मिली। इट मीन्स देश की लड़ाई के लिए, आज़ादी की लड़ाई के लिए सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, अशफाकुल्लाह खां जैसे तमाम अनेक लोग फांसी के फंदे पर झूल गए। पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, चौधरी चरण सिंह, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सरदार पटेल जैसे हजारों लाखों स्वतंत्रता सेनानियों ने जेलें काटी, सालों तक 14-14 साल तक जेलों में रहे, उन शहीदों का अपमान किया गया। और उन्होंने अभी कुछ देर पहले एक बयान दिया था कि राष्ट्र के पिता नहीं होते, लाड़ होते, वो बार बार महात्मा गांधी का अपमान कर रही हैं। क्योंकि हम लोग देश के नागरिक हैं, जिम्मेदार नागरिक होने के नाते बुद्धिजीवी समाज से भी आते हैं, ये हमारा दायित्व है कि हम ऐसे तत्वों के खिलाफ आवाज उठाएं और देश की एकता, अखंडता, देश के सम्मान, किसानों के सम्मान, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सम्मान को अक्षुण बनाए रखने के लिए हम कोई भी कुर्बानी देने को तैयार हैं। कोर्ट के सामने हमने अपना पक्ष रख दिया है, सारे सबूत पेश कर दिए हैं, हमने गवाहों के बयान हो चुके हैं, हमारे अधिवक्ताओं ने बहस की है, तो कोर्ट सहमत है और निश्चित तौर से कंगना को तलब करने के आदेश होंगे। अगर नहीं आती तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। 12 दिसंबर 2024 की तिथि नियत की है कोर्ट ने।